सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इसमें व्लॉग में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और मैं उठा था 7 बजे, क्योंकि आपको पता ही है कौन है, ये है मेरे को उठाने वाला। ये मेरे बाजू में सोता है तो ये उठ जाता है तो इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। चलो कुछ नहीं, अच्छा उठा दिया, अपने टाइम पे उठे। अभी जल्दी से जाते हैं फ्रेश होने के लिए, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अभी थोड़ा काम है वो भी कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं सीधे फ्रेश होने के बाद। सुबह अभी टाइम हो रहे हैं और अभी जैसे मैं फ्रेश होके आया हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, रोटी को भी करवा दिए और अभी सब गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अभी शादी का कुछ एक फंक्शन है लगन लिखने का। उसमें ऐसा होता है कि मतलब डेट दिया जाएगी, फिर यहाँ से सब फंक्शन होने के बाद आगे वाले घर पे, मतलब जो मेरे जीजा जी जो मेरे जीजू हैं वो है उनके घर जाएंगे। टाइम है तो जब मैंने सोचा तब तक मैं रघु के साथ मस्ती और वीडियो एडिट कर लूँ, फिर अपलोड करना है। अभी जब टाइम मिलेगा तब अपलोड कर लूँगा, क्योंकि अभी 9:30 बजे आएगी महाराज, तो तब तक तो अपना काम भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो टाइम को यूटिलाइज़ करके अपना काम कम्प्लीट करके फिर फंक्शन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि और अभी जो भी फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाले है थोड़ी देर में। तो मेरे जितना रिकॉर्ड होगा तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं घर के साथ बैठा हूँ और वीडियो एडिट करना भी बाकी है, क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। तो एंजॉय करिए फंक्शन को मेरे साथ आप भी। मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही, मेरा यार मेरी शान, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दिया तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे रे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क कथेरे। ओ मेरी हीरे रे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क कथेरे। तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे रे तू जुग जुग जीरे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क कथेरे। ओ मेरी हीरे रे तू जुग जुग जीरे रे, मेरा जड़ नाल तू ले ले इश्क कथेरे। टाइम हो रहा है 11 और हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, सब चले भी गए घर। और मैं फैमिली पिक्चर में बिजी था, क्योंकि फैमिली के साथ फोटोज हो जाए, फंक्शन है तो फैमिली पिक तो चाहिए, तो सब फोटोज पड़वा रहे थे, इसके लिए मैंने शूट किया नहीं। फिर गबरू के साथ भी हमने पिक क्लिक करवाई और अभी हमने जाना खाना खाने के लिए, तो जाते हैं
और वीडियो भी एडिट हो चुकी है, सिर्फ अपलोड करना बाकी है। और अभी फैमिली के साथ बैठेंगे, क्योंकि यार क्योंकि सब फैमिली आई है तो टाइम पास करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं सीधा वीडियो अपलोड करने के बाद। टाइम हो रहे 5:45 और मैं उठा 5 बजे, क्योंकि है धूप में मुझे मैं बोर हो रहा था, तो मैं सोचा चलो जाके सो जाते। तो मैं सिर्फ लेटा लेटा ही, सीधा कब से मैं खुद को पता नहीं। तो ये तो मेरी दीदी मेरे को जगह नहीं, इसके लिए मैं आया, मतलब मैं उठा। और अभी हम लोग जाएंगे कहीं बाहर खाना नहीं खाए, क्योंकि कल प्रेरणा की बर्थडे थी, तो वो लेके चलो कुछ खाने जाते आज। कल तो थोड़ा बिजी था इसके लिए, और आज हम लोग फ्री है, तो चलिए जाते। अब क्या खाने जाते हैं वो हम आपको वहीं जाके बताएंगे जहाँ हम लोग जाएंगे। तो मिलते सीधे वहीं पे। हम लोग आए अभी डैडीज कैफे, जिसमें और ये रहा पीछे डैडीज कैफे। हम यहाँ पे पहली बार भी पहले भी आए थे, यहाँ का फूड एकदम ऑसम, इसके लिए हम लोग वापस आए। और यहाँ का फेवरेट पास्ता, जो तंदूरी पास्ता, जो चीज़ का खाते ही मतलब वापस से लोग आते ही है इसके पास। तो चलिए जाते हैं और खाने का मज़े लेते हैं। ये रही जिसकी बर्थडे पार्टी के लिए हम लोग आए हैं, ये देखे। और वो मेरी दी ऑर्डर दे रही है, अभी मेरा भाई आएगा मेरे बर्थडे कल। हम लोग वापस आ गए खा के, और अब थोड़ा लेट हो गया है, तो जाते सीधे घर। और यहाँ पे पीछे रामनवमी का भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, पीछे लाइटें चालू है, और मैं ब्लॉग भी आ चुका है, जाके जरूर देख लेना। तो जाते सीधे घर, तो मिलते सीधे घर पे। हम लोग जस्ट घर आए, और अभी टाइम हो रहा है 9:45। हम लोग आ गए थे करीबन 8:15 आ गए थे। फिर आके मैं गबरू को वॉक पे लेके गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं सुबह शाम उसको वॉक पे लेके जाता हूँ। तो जैसे मैं आया वो गेट के पास से खड़ा था, फिर उसको वॉक पे ले गया। फिर आके मैंने उसको खाना वाना खिलाया, फिर वापस में इसको फ्रेश होने के लिए ले गया। और अभी मैं जस्ट उसको आके बांधा हुआ, अब मैं जाऊँगा फैमिली के साथ बैठने और अपना खा के आए डैडीज कैफे। और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और भूख भी नहीं लग रही। तो जाते ओ, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आपका बेस्ट पार्ट जरूर बता। मिलते हैं कल, आज के लिए गुड नाइट।